हाय, मैं विभा छिब्बर हूँ और मैं सीने टॉकर्स की तरफ से बोल रही हूँ। शो के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जिस तरह से आपने ट्रेलर देखा, आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कितना स्पेशल, कितना यूनिक शो है। और हमारे शो ने एक ऐसे टॉपिक को उठाया है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही निग्लेक्टेड है। फिल्म्स में इसको बहुत एक्सप्लोर किया गया है, पर मेरे ख्याल से टेलीविज़न में ये पहली बार आ रहा है। और जिस तरह से इसको बनाया जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह से इसके किरदार पिरोए गए हैं, वो बहुत ही सहजता के साथ पूरी कहानी बता रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं सोसाइटी को कि अगर हम उनका साथ दें, हम अगर उनके साथ रहें, तो ज़रूर मतलब वो जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उसको छोड़ करके वो आगे बढ़ सकती हैं। और माँ ने शुरुआत की है इस चीज़ की, क्योंकि माँ नहीं चाहती कि जिस तरह की ज़िंदगी मैंने जी है, मेरी बच्ची जी है, उसको पढ़ाना चाहती है, लिखाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल, मैं उसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ जो सोसाइटी इनको निग्लेक्ट करती है, इनसे दूर रहती है, उन्हें नज़रअंदाज करती है। एक ठप्पा सा लग गया है कि हाँ, हमारी सोसाइटी में कि ये अच्छा है, ये बुरा है। मुझे मेरे संस्कार, मुझे मेरे पूर्वजों से मुझे यही मिले हैं और मैं भी उन्हीं को फॉलो करती हूँ। पर यू नेवर नो कि शायद किसी के नज़रिए से मैं बदल जाऊँ, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो इस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करें, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं है। तो जो मुझे सिखाया गया, मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ। नहीं, ऐसा तो एग्जैक्टली नीरजा की कहानी जैसा तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे हाउस हेल्पर होती हैं, और मैंने मेरी एक हाउस हेल्पर थी, तो वो हमेशा रोती थी कि मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची को पढ़ने नहीं देना चाहते, बेटों को पढ़ा रहे हैं पर बेटी को नहीं। वो बोलते तू घर का काम कर, ये कर, और वो बहुत लड़ती थी, वो उसको मारता भी था। और मैं उसको बोलती थी तू पढ़ा, मैं जितने पैसे चाहिए होंगे मैं तुझे दूँगी। और एक वक्त आ गया कि उसने अपने पति को तलाक दे दिया सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कि वो बर्तन नहीं मांजेगी। सो बहुत ही कमाल का था, और मैंने उसका पूरा साथ दिया। हालांकि मैंने उसको बोला था तलाक नहीं देना है, लेकिन वो बोलती थी कि मेरा हस्बैंड नहीं करने दे रहा। तो वो अपने बच्चे ले आए कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, और उसकी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। घर की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ये सब होती हैं। तो मतलब बेसिकली यही होता है कि हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, उनका बहुत ख्याल रखती है, बहुत केयर करती है, और हमेशा चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें। जैसे मैं हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। मुझे कुछ थोड़ी तकलीफ भी हो जाए किसी चीज़ से, पर वो तकलीफ़ मेरे बच्चों को नहीं आनी चाहिए। तो यही कहानी जो है वो इस हमारी सीरीज़ में भी है। बिल्कुल, आप प्लीज़ प्लीज़ ये शो देखिए, नीरजा एक पहचान, मंडे से संडे तक 8:30 कलर्स पर।